तो भाई इस टाइम हो रहे हैं, फिलहाल बज रहे हैं 9। और गाइस आज है होली, हमारी तरफ से सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और गाइस हमारा होली का आज मंदिर पे प्रोग्राम है, तो फिलहाल मम्मी खाना बना रही है, तो उसके बाद जाएंगे मंदिर पे रंगोली देखने, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम रहता है। और मामरोली दादी के दर्शन करके आएंगे, और वहाँ नाच गाने का प्रोग्राम और होली रंग कलर सब कुछ प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है। तो इसलिए प्रोग्राम के लिए हो जाते हैं तैयार, और हम फिलहाल नहा लेते हैं। मैं नहा धो के हो लेता हूँ रेडी, मम्मी भी खाना वाना बना के मुझे एक रेडी, तो फिर उसके बाद हम निकलेंगे मंदिर के लिए। और आज कुछ देसी प्रोग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। और गाइज अब फिलहाल नहाने के लिए हो जाता हूँ तैयार, बने रही हमारे साथ व्लॉग में। गाइज नहा धो के हो लिए रेडी, और छत पर आया हूँ मैं धूप लेने। अब धूप इतनी कड़क हो रही है यार, अभी से ना इतनी गर्मी हो गई है, सूरज माई तो बिल्कुल भी देखो ना जा रहा, हाथ लगा खड़ा होना पड़ा है, बहुत ज़्यादा गर्मी। अभी से आगे चल के गर्मी क्या करेगी। तो मम्मी ने भी खाना वाना बना लिया, इतने बाइक निकाल लेता हूँ बाहर, तो चलते हैं नीचे। बाइक यहाँ खड़ी कर लिया, और ये कुछ मंदिर का माहौल मैं आपको दिखाता हूँ, और आगे चलते हैं। ये ज़बरदस्त भीड़ रहती है, और मैं होली और दिखाऊंगा मैं आपको। और गाइस ये पुराना मंदिर है हमारा मामरोली का, यहाँ इतनी भीड़ रहती है, होली दिवाली सभी नहाने आते हैं ये देखो। और अंदर मंदिर में ले चलता हूँ मैं, वहाँ पर गई है अंदर पर भवाने, मैं मम्मी को वेट कर रहा हूँ, क्योंकि जनानी इतनी भीड़ है बहुत ज़्यादा, मैं आपको दिखा दूँ इतने वेट कर लूँ मम्मी आते, फिर मैं चलूँगा मम्मी आने के बाद होली कुछ होली का आपको प्रोग्राम दिखाऊँगा। तो गाइस ये देखो कितनी भीड़ हो रही बहुत ज़्यादा। तो गाइस हम मंदिर से तो आ चुके हैं, क्योंकि वहाँ अभी प्रोग्राम लेट था, क्योंकि टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे दुकान भी जाना है। तो मम्मी जी ने दूसरी जगह लेके आया हूँ, यहाँ पे दूसरी पथवारी मंदिर है, यहाँ से भी हमारी मम्मी नहाने गई है, तो मैं इसमें बाहर वेट कर रहा हूँ। तो गाइस बहुत वहाँ का ये माहौल होता है, ये देखो कलर बहुत, क्योंकि फागुन में तो यही होता पूरे फागुन। और गाइस फाइनली पहुँच गया हूँ मैं घर, अपनी बाइक खड़ी कर दी है, मम्मी जी देवता वगैरह नहाने गई है। और तो पीला कलर है ना गुलाल का, एक महत्व भी अलग होता है, मंदिर पे जाएंगे मंदिर पे गुलाल से स्वागत करते हैं ना, बहुत ज़बरदस्त होता है गाइस। और पूरे फागुन कहीं भी कोई प्रोग्राम होगा हमारे गांव में, तो गुलाल से ऐसे ही स्वागत चलता है पूरे फागुन, मस्त एकदम। और गाइस वहाँ रंग रंग प्रोग्राम बन रहा था, क्योंकि टाइम लगेगा, क्योंकि शाम के 4-5 बजे प्रोग्राम बनेगा मंदिर पर। और गाइस बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम रहता नाच गाने का। और गाइस हमारे यहाँ होली का कल का धूमधाम प्रोग्राम है, कल का परसों का, वो शूट करके मैं सारा आपको दिखाऊंगा, होली का ऐसे ही आनंद लें। और गाइज हमारे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।